आज हम पढ़ेंगे क्लास एट का एक्सरसाइज वन ही आर एस अग्रवाल का। क्लास एट में टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कैसे दो रेशनल नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे ये जानेंगे। देखिए लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू रेशनल नंबर सच दैट सी अपॉन डी नॉट इक्वल टू जीरो। यानी ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दो रेशनल नंबर है, यहाँ सी अपॉन डी जीरो के इक्वल नहीं है, तो ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी। यानी अगर लिखा है कि ए अपॉन बी को हमें डिवाइड करना है सी अपॉन डी को, तो हम डिवीज़न को जो है मल्टीप्लीकेशन में चेंज करके लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। यानी ये प्रोसेस जो है सी अपॉन डी को हम लिख सकते हैं डी अपॉन सी। ये चीज़ ध्यान रहे, अगर ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी लिखा है तो हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू डी बाई सी। यानी इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करते हैं तो। व्हेन ए अपॉन बी इज डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी देन ए अपॉन बी इज कॉल्ड डिविडेंड। यानी अगर ए अपॉन बी को हम सी अपॉन डी से डिवाइड करेंगे तो ए अपॉन बी को हम डिविडेंड कहते हैं और सी अपॉन डी को डिवाइजर, और जो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं कोशियंट। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आगे हम जब एक्सरसाइज पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सिंप्लीफाई करना है हमें, क्या सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, देखिए ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, लिखा है सिंप्लीफाई करना है 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, मतलब लिख सकते हैं 4/9 इंटू -12/5। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ कैंसिल होने वाला है, तो देखेंगे 3 3 9 और 3 4 12 और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 4 16 और 5 3 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर लिखा है -8 डिवाइडेड बाई -7/16। इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं -8 इंटू -16/7। यहाँ तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48 को 8 हाथ में आएगा 4, 8 1 4 8 1 8 और 4 12, यानी 128/7 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको आ रहा होगा समझ में। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बताते हैं, लिखा है -65/14 डिवाइडेड बाई 13/7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, -65/14 इंटू 7/13। अब आप देखेंगे 7 2 14 होता है, 13 का टेबल से डिवाइड करेंगे -5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 13 5 65। यानी -5 ऊपर बचा है और नीचे 2 बचा है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा -5/2। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें वेरीफाई करना है द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फाल्स। वेरीफाई करना है कि जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो ट्रू और फाल्स है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, वेरीफाई द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी कि हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो ट्रू है, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बताएंगे इसका, बाकी का 3 आपको खुद से लगाना है। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10। स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 13/5 इंटू 10/26। डिवीज़न को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 5 2 10 होता है, 13 2 26 होता है, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। ऊपर और नीचे कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा है। इसके बाद हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारा 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 26/10 इंटू लिख सकते हैं 5/13, तो 5 2 10 13 2 26, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी आ गया हमारा 1। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब जो ये हमारा इक्वेशन है, ये जो हमारा दिया गया है, ये क्या है ट्रू है। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता है तो हम इस तरह लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इक्वल नहीं आएगा तो इक्वल टू को लगा करके क्या करेंगे कट कर देंगे और आंसर लिख देंगे फाल्स है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बाकी का क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वही क्वेश्चन है, लिखा है वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फाल्स।
वेरीफाई करना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है ट्रू और फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर वन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर टू और थ्री आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए करना क्या है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर का। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे 5/9 इंटू, इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 3/1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5/2। यहाँ देखेंगे 3×3 = 9, यानी यहाँ बच जाएगा क्या हमारा, क्या बचेगा 5/3 डिवाइडेड बाई 5/2, यानी फिर से हम कन्वर्ट करेंगे 5/3 इंटू 2/5 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। इसके बाद हम लेते हैं राइट हैंड साइड, हमारा राइट हैंड साइड है 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2/5, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी 5/9 डिवाइडेड बाई 2/5 = 15 हो जाएगा। अब फिर से हम इस वाले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 15/2, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो 15 × 5 = 15, 2 = 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75 होता है और 9 × 2 = 18। तो यहाँ हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा थर्ड का फर्स्ट। इसी तरह बाकी के बच्चे दो क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 9, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, यानी अगर दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर आ रहा है 9। कह रहा है अगर एक नंबर उसमें से -12 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, वन नंबर इज -12, फाइंड द अदर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, देखिए आपको पता है हम मान लेते हैं लेट अदर नंबर भी एक्स, लेट अदर नंबर भी एक्स, यानी दूसरा नंबर हम एक्स मान लेते हैं। तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 9 इफ वन नंबर इज -12। कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -9, यानी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है -9, और एक नंबर उसमें से x है और दूसरा -12 है, तो x इक्वल टू कितना हो सकेगा, हो जाएगा -12/9, -9 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3×3 = 9, 3×4 = 12, मतलब x की वैल्यू कितना होगा 3/4, यानी जो बचा हुआ दूसरा नंबर है वो कितना होगा 3/4 होगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9 इफ वन नंबर इज -4/3, फाइंड द अदर। आप लोग खुद से लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7, मतलब इस वाले संख्या में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें इसमें कि हमें इतना मिल जाए। तो मान लेते हैं कि इसमें x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इतना मिल रहा है, यानी लिख लेते हैं लेट नंबर बी x, लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स अब करेंगे क्या, -15/56 में हमें x का मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलना चाहिए -5/7। तो स्टूडेंट x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/7, इसको जब हम इधर स्टूडेंट्स भेजेंगे तो 56 ऊपर आ जाएगा और 15 कहाँ आ जाएगा, नीचे माइनस लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे माइनस भी होगा। अब देखेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 3 times में डिवाइड हो जाएगा 7×8 = 56, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 8/3, यहाँ ऊपर 8 बचा है नीचे 3, यानी हमारा आंसर क्या होगा 8/3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय दिस टू ऑब्टेन दिस, सेम क्वेश्चन है इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें इतना मिल जाए। तो हम कर देंगे x का मल्टीप्लाई करने पे हमें इतना मिल रहा है, यानी -8/39 × x = 1/26, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट -11/2, यानी -33/8 में हम किस नंबर का डिवाइड करें कि हमें इतना मिल जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं स्टूडेंट्स लेट नंबर बी
एक्स मान लिया हमने कि जो नंबर हमें डिवाइड करना है वो नंबर एक्स है। अब इसके बाद हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए हमारा नंबर क्या था, -33/8 था ना। -33/8 में मान लेते हमने डिवाइड किया एक्स से, तो हमें कितना मिलना चाहिए, -11/2 मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन था देखिए, वाई वॉट नंबर शुड बी दिस -33/8 बी डिवाइडेड टूगेदर, इतना यानी मान लेते हैं हम एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 11/2 मिल रहा है। ठीक, हम पहले तो इसको लिख सकते हैं -33/8 इंटू 1/x -11/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ भेज देते हैं, तो -33/8 और इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर, तो ये इधर आएगा तो 2 पर आ जाएगा और 11 कहाँ आ जाएगा, नीचे माइनस लगा हुआ तो माइनस भी रहेगा, और ये x इधर आएगा तो क्या बचेगा, केवल x। तो आप देखेंगे कि 11 3 जा 33 होता है, -3 हो जाएगा और 2 4 जा 8, यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स -1 क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, यानी x इक्वल टू ऊपर कितना बचा है -3 इंटू यहाँ बचा है -1 और यहाँ बचा है यहाँ +4 है 4 इंटू यहाँ पे 1 है। स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा 3/4, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। आया स्टूडेंट्स आपको समझ में। इसी तरह से अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ, डिवाइड द सम बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस, यानी इन दोनों के सम को हमको इसके प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। तो पहले हम इसका सम निकालते हैं, और डिवाइड किससे करना है, इसके प्रोडक्ट से। तो पहले इसका सम निकालते हैं और इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, देखिए कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, डिवाइड द सम, पहले इसका सम निकालते हैं, 13/5 + -12/7 यही लिखा हुआ था, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 - 12/7। स्टूडेंट्स आपको एलसीएम लेने आता होगा, 5 और 7 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, 5 1 5 7 1 7 7 5 35 एलसीएम हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स में, तो 7 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, 13 7 जा 91, माइनस 7 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 5 टाइम्स मतलब 12 5 जा 60, तो सेपरेट करेंगे 60 70 80 90, यानी 21/35 आ जाएगा, 91 - 60। ठीक, अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, माइनस क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए -31/7 - -1/2, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, -31/7 - -1/2। तो जब इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वह आ जाएगा हमारा 31/7 - 14। यानी देखिए स्टूडेंट्स अब क्या कह रहा था कि इसके सम को हमें इसके प्रोडक्ट से डिवाइड करना है, यानी अब लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कि 21/35 को हमें डिवाइड करना है किससे, 31/14 को। तो स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितना आता है, 21/35 × 14/31 हो जाएगा। आप देखेंगे कि 7 5 जा 35 होता है और 7 2 जा 14 होता है, तो अब और कैंसिल तो होगा नहीं, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 42 हो जाएगा, और यहाँ 5 1 जा 5 5 3 जा 15, यानी स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा 42/155, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिएगा 91 - 60 जो है वो 31 होगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ 21 की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 31 हो जाएगा, और आप यहाँ भी 31 कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ 31 से 31 भी कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल जो हमारा आंसर आएगा वो 2/5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिएगा, 60 30 91 होता है, 30 ऐड करेंगे तब 91 आएगा, यानी 91 - 60 जो है वो 31 आएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 2/5। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, डिवाइड द सम बाय देयर डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डिवाइड द सम बाय देयर डिफरेंस, यानी इन दोनों के सम को हमें डिवाइड करना है इन दोनों के डिफरेंस से। ठीक, तो पहले सम निकालते हैं उसके बाद हम निकालेंगे डिफरेंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 65/12
प्लस 8 बाई 3 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, यानी 12 से डिवाइड करेंगे वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ आएगा 65। 3 4 जा 12, यानी कि 4 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 8 4 जा 32। ऐड करेंगे 5 4 2 7, 6 और 3 9, 97 बाई 12। अब इसके डिफरेंस को निकालते हैं, यानी 65 बाई 12 माइनस 8 बाई 3, फिर वही स्टूडेंट एलसीएम 12 होगा, यहाँ 65 आएगा, यहाँ 32 आएगा, यानी 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 3 अपॉन 12। अब देखिए इसके सम को हमें डिवाइड करना है इससे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 97 अपॉन 12 डिवाइडेड बाई 33 अपॉन 12, यानी 97 अपॉन 12 इंटू 12 बाई 33 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स बचेगा कितना 97 अपॉन 33, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है 9 अपॉन 8 डिवाइडेड बाई डॉस डैश डैश इक्वल टू -3/2। तो जो भी क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। लिखा है ना 9 अपॉन 8 डिवाइडेड बाई डैश है इक्वल टू लिखा है -3/2, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है, यक्स है। ठीक, तो 9 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ भेज देते हैं और इन सबको यहाँ, तो -8 9 अपॉन 8 इक्वल टू -2/3, 2 पर चला जाएगा, 3 कहाँ जाएगा नीचे, इक्वल टू x का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे x हो जाएगा, 3 3 जा 9 2 4 जा 8, यहाँ -1 बचेगा, यानी x इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू -1 अपॉन 4 इंटू 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा -3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए -3/4। इसी तरह से आप सब जगह x पुट करके क्या करेंगे, x को पुट करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक, आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोजर अंडर डिवीजन। बताना है क्या रेशनल नंबर जो क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन में फॉलो करता है या नहीं। मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो या कम्यूटेटिव हो या एसोसिएटिव हो, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये नो होगा, कम्यूटेटिव कह रहा है ये भी नहीं होगा, नो होगा इसका भी आंसर, एसोसिएटिव भी नो होगा। कैन बी डिवाइडेड 1/0, क्या हम 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, जी नहीं स्टूडेंट्स, हम 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये नॉट डिफाइंड होता है, हमने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है। ठीक, तो बस इसका भी आंसर नो होगा। आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज 1 ही कंप्लीट होता है, अब अगले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 1 एफ एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।